लेकिन अभी रानी बाकी है। देखते हैं रानी किसके पास जाती है। ये रानी मैं किसी भी कीमत पे किसी को जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि ये रानी जो है ये मेरी है। ओह, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। चलो देखते फिर रानी किसके पास जाती है। यस, हमने तुम जैसा ना नीच और गिरा हुआ इंसान आज तक नहीं देखा। बताओ मैडम, आपको अपना अकेलापन दूर करना था ना। आप लोग हमारा अकेलापन दूर करने आए हो ना। कभी ये जाकर अपनी माँ या बहन से बोला है? जाओ उनसे भी ये कहकर आओ, उनको बहुत अच्छा लगेगा। निकलो निकलो यहाँ से, अभी निकलो। Amazing. I don't have words to describe. Trust me, बहुत अच्छा बना है। हाँ हाँ, इसे खाके तो आपको अपनी माँ के हाथ का बना हलवा भी याद आ गया होगा, है ना? अनुराग जी, हर किसी के हाथ में अलग अलग स्वाद होता है। माँ जो बनाती है वो भी अच्छा होता है, और जो रागिनी जी ने बनाया है वो भी लाजवाब है। असल में बात टेस्ट की नहीं है, बात है नियत की। रागिनी को लगा मैं यहां घर से दूर होमसिक फील कर रहा हूं, इसलिए उसने घर वाला फील देने के लिए ये हलवा बनाया। अब इस हलवे का टेस्ट जैसा भी हो, ये हलवा तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अरे बेटा जी, जरा हमको भी तो चखाइए ही हलवा जो बनाई है आप। आपने ये बात बहुत अच्छी पकड़ी है कि हमें अच्छा अच्छा खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, और इसे खाकर तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बाकी खाना भी आप बहुत अच्छा बनाती होंगी। अब नहीं नहीं, वो बस हम कोशिश करते हैं कुछ उल्टा सीधा बनाने की, कभी कभार बन जाता है। उल्टा सीधा? और ये अगर ये उल्टा सीधा है ना, तो आज मैं सबके सामने बोलता हूँ मुझे उल्टा सीधा खाना बहुत पसंद है। जोक्स अपार्ट, आप बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे लगता है आपको अब तक कोई नहीं मिला जो आपकी इस खासियत के बारे में आपको बता सके। कितना कुछ दिया है मेरी रागिनी ने मुझे, लेकिन जब समय था तब मैं उसकी कद्र नहीं कर पाया। सब मेरी गलती है, लेकिन एक गलती का बदला दूसरी गलती तो नहीं हो सकती ना। रागिनी, तुम मेरी वाली गलती मत करो। लो ये पत्ते दिखाओ, पत्ते पत्ते दिखाएं। हम पत्ते दिखाएंगे तो तुम्हारी पतलूम ढीली हो जाएगी। ये देखो, ये चलो हम जीत गए, चलो पैसे निकालो, हो गया। ये तो गलत बात है भैया, सरासर चीटिंग कर रहे हैं। देखो खेल में क्या होता है कि जीत और हार मायने रखता है, चोरी और बेईमानी नहीं, समझे? अब हम जीत गए हैं तो पैसे निकालो। कोई पैसा नहीं हमारे पास। अरे ऐसा कोई गेम ही नहीं है जो भैया जी जीतना सके, पता है? ये लो, चलो पैसे निकालो। पकौड़े बना के लाए हैं, खा बेटा। अरे अरे खा के हमको भी तो दो। हाँ लो खाओ ना बेटा। अरे पकौड़े जो हैं बड़े स्वादिष्ट हैं। अब ये ऐसे पकौड़े हम रोजी खाएंगे। रोजी? हे बिरजू, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम चुप बैठने वालों में से नहीं हो। ये तो हम समझ गए तुमने उस लड़की के साथ कोई ना कोई कांड तो किया है। अब क्या किया है ये बता दो हमें। हम बताओगे तुम? किस्सा है, कहानी है, फिल्म मुझे बताओगे तुम? पत्ते बांटो तुम। मम्मा के सामने ऐसा वैसा बात करोगे? उल्टा रख के दे क्या? सॉरी भैया, गलती हो गई है। उल्टा हाथ का देंगे, समझ में आएगा तुमको। हाँ तो पकौड़े खा भैया। वैसे क्या देख रही है? का किए हो ये बताओ। इतना समझ लो कि तुम्हारा बेटा शेर है, शेर
शेर। शेर नहीं, बब्बर शेर, जिसके सामने सारे ढेर। क्यों भैया, हो गई बहुत तारीफ, चलो अपना चाल चलो। तुम इंसान की शक्ल में जानवर हो, ये तो हम तुम्हें देखते ही समझ गए थे, लेकिन तुम जानवर के आड़ में राक्षस हो, आज सुबह ही पता चला। कैसी माँ है, कैसे संस्कार दिए आपने अपने बेटे को। अरे ऐसा बेटा पैदा करने से अच्छा था कि आप सारी जिंदगी बांझ होने के ताने सुन लेती। क्या सोचा था तुमने? चार लफंगों को हमारा नंबर और पता देकर हमें बदनाम कर दोगे? छोड़ दिए, बहुत बुरा हो जाएगा समझे। हमारा नाम सृष्टि सिंह है, हमारी इज्जत इतनी हल्की नहीं कि तुम जैसा सड़क छाप गुंडा उसे उछाल दे। अरे हमारी अम्मा के सामने नहीं, इज्जत कैसे उछाली जाती है ये हम तुम्हें बताएंगे। अरे क्या कर रही है, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, वो भी एक औरत है, उसके बाद भी तुमने औरतों की इज्जत करना नहीं सीखा। हाँ, अगर तुम्हारे घर में चार मर्द शराब की बोतल और नोट की गड़ियां लेकर तुम्हारी माँ के बारे में पूछे तो क्या कहोगे तुम? हमारी अम्मा के बारे में एक शब्द नहीं बोलोगी समझे ना, तो बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा, हमारे बारे में ऐसी नीच हरकत करने से पहले भी तुम्हें अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए था। तुम्हें क्या लगा हम डर जाएंगे, आंसू बहाने लगेंगे? लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हमारे पापा ने हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है, घर में भी और घर के बाहर भी। अरे ओ झांसी की रानी, क्या किया हम बताओ? हमें लगा कि दो तीन नए लोगों से मिलोगे, तुम्हारा अकेलापन मिट जाएगा समझी, खुश हो जाओगी, और तुम्हें खुश देख के ना कलेजे में ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होगा समझी। पर सॉलिड तो शिट हो गया समझे। अरे भलाई का तो जब पहुंची कलेजे में ठंडक, तुम गंदी नाली के वो कीड़े हो, जो जरा सी बारिश में बाहर आ जाते हो, और हम तुम्हें नाली के अंदर पहुंचा के ही दम लेंगे। हे लड़की, बके जा रही है। अरे ऐसा क्या कहा है हमारे लड़के ने? हाँ, थप्पड़ का है मारा उससे। क्या किया हो तुम? क्या किया इसने? ये किया है इसने, देख रही छोड़ो। और रही बात थप्पड़ की, जो हमने इसे मारा है वो इसकी पहली गलती पर आपको मारना चाहिए था। आपने इसे संस्कार ना देकर बहुत बड़ी गलती की है। अब बस कोशिश कीजिएगा कि ये आपकी ममता पर और कालिक ना लगाए। क्या देख रही हो, छोड़ो इसको। ये हरकत किए हो तो तुम कैसे भूल गए कि भी एक औरत है तुम्हारी अम्मा की तरह? अम्मा सुनो तो, देख रहे भैया आप लोग हैं, फिल्म चल रहा है यहाँ पे, अपना काम करो, हाथ पैर तोड़ देंगे। अम्मा पता नहीं कहाँ चली गई लड़की बिन बताए, हमको तो बहुत चिंता हो रहा है दुलरिया। बाकी तो काहे चिंता करे हैं, देखियो आज का सिस्टी भौजी कैसे उरागली भौजी जैसा एकदम दबंग हेल घूमते रहती है। हमको तो लगता है उनका कोनो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम देखो दुलरिया, तीन बकवास बंद करो अपना, आपके घर में बहू बेटियां है कि नहीं? कुछ भी छाप दोगे किसी के भी बारे में, अरे दिमाग उमाग है कि नहीं तुम्हारे पास? एक लड़की के लिए इतना घटिया प्रचार कैसे छाप सकते हो तुम? याद रखना वर्मा शर्मा जो भी हो तुम, अगर तुम्हारा प्रेस बंद नहीं करवाए ना तो विद्वान सिंह नाम नहीं हमारा। अरे पुलिस केस करेंगे तुम्हारे खिलाफ।
किसी आदमी दिमाग खराब कर दिया। अरे बेटा कहाँ चली गई थी तुम्हें बिना बताए? तुमको पता है कितना राम को चिंता हो रहा था, हमको ना साथ में ले जाती, हमको डर लग रहा था कहीं तुम कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठो। माँ हम एक उल्टे आदमी को सीधा करके आए हैं। का मतबल है, का करके आई हो तुम? हमने उस बैजू को भरे बाजार में थप्पड़ मार दिया, उसे उसकी असली औकात दिखाई, वो भी उसके लोगों के बीच में। छोटकी भौजी बाकी तुम तो एकदम ही रागनी भौजी से भी फास्ट चलन जा रही है, तुमको कहाँ जरूरत है ये सब करने का? तुमको कहाँ पता वो कैसा आदमी है कैसा नहीं? अरे वो कैसा भी आदमी हो उसको जो करना हो करे, पर आज आज हमारी बहू ने जो किया है ना उस पे कर रुपए हमें। बेटा बहुत ही अच्छा काम कियो तुम, मुझे उसका बैजू ना इसी के लायक है। खाना खा लेते हैं, तुम्हारे लिए खाना लगा देते हैं, चलो। हाँ बेटा चलो। अरे क्या कर रहे हो, पानी डालो इसमें। पर अनुराग बाबू ने तो बोला था पहले तेल डालना फिर पानी डालना, उससे ना रोटियां नरम होती हैं। तो तुम्हारे अनुराग बाबू जो है वो इंग्लैंड की जो महारानी है उसके शेफ है का जो उनको सब कुछ मालूम होगा, हाँ कि जो उन्होंने बोल दिया वही करना है, जो हम बोले ना वो करो। पर अनुराग बाबू ने तो बोला था। इस घर में किसी ने बताया नहीं है का कि जब हम कुछ बोल देते हैं ना तो के बाद लेकिन नहीं लगता है, समझे? दो हम चलो जाओ यहां से। तो पानी लेने आया था, आटा तो फ्री में मिल गया। अरे भी बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, ये सब नई नए सर्वेंट की वजह से हुआ, आपका पूरा कपड़ा देखिए खराब हो गया, हम साफ कर देते इसको, क्या करें हम, ये पूरा पूरा ही कपड़ा बर्बाद है। रागिनी रिलैक्स, आटा गिरा है साफ हो जाएगा। देखिए और वैसे आटा तो आप पर भी गिरा है, मैं साफ कर देता हूँ। अरे ओ दीजिए। एक मिनट बी स्टील, हाँ हिलना मत। आप अपने आप को तो देखिए, पूरा तो लपेटिए, लीजिए। थैंक्स। मैं काम करता हूँ, मैं शाल लेके आता हूँ। हाँ हाँ आप जाइए जाइए जाइए। ओके ओके ओके, आई एम ओके। आराम से। छोटकी फौजी से एक बात कहे, एक तुम्हारा किताब कॉपी एक बार सेट हो जाए ना तो लगेगा कि घर का आधा काम हो गया है। नहीं तो उठाने ही में इतना भारी है, तुम पढ़ते कैसे? पढ़ना पड़ता दुलारी दीदी, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है वकालत के लिए। हम तो सोच रहे हैं कि काम एक बार हो जाएगा तो फुआ को कहेंगे शांति पाठ कराने के लिए, वैसे भी घर में शांति का बहुत जरूरत ना। अरे दुलारी दीदी अभी तो 5-6 चक्कर लगेंगे। और सिस्टी मैडम, ओ मैडम जी, समझो। अरे हम भौजी सुनो, अरे कहाँ है दुलारिया, कहाँ
पत्थर लीजिए ही हा? चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो तो अभी पुलिस को बुलाएंगे हम। अरे चलो निकलो। एक मिनट पापा, तुम्हारी अक्ल अभी तक ठिकाने नहीं आई ना, क्या करना है? हम पर गोली चलाने आए हो? चलाओ गोली। काकू चुप बोलो, नहीं पागल है काई? इज्जत है हमारी और हमारी इज्जत आपके कदमों पे। बहुत बड़ा गलती हुआ हमसे, अभी हम आपसे किन भी शब्दों में माफी मांगे या समझाए आपको हमारी बातों का विश्वास नहीं होगा। हमें पता है, लेकिन आपको पता नहीं कि हमें बहुत पछतावा हो रहा है और इसीलिए हम आए माफी मांगने आपसे। आप करे ना करे वो आपकी मर्जी, पर हम नाटक नहीं कर रहे हैं। सॉलिड ये देखिए मैडम जी, ये इश्तेहार हमने छपवाया था आपका नाम खराब करने के लिए, आप बुरी औरत आपको साबित करने के लिए। सोचा था बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके वजह से हम अपनी मां की नजरों पे गिर गए। बहुत तकलीफ हुई हमको, इसीलिए ये सारे के सारे इश्तेहार ना हर जगह जगह जिला जिला से हम वापस लेके आए, इकट्ठा किए यहाँ पे ताकि हम अभी खत्म कर दे सब कुछ, उसका नाश कर दे हम। ये देखिए इश्तेहार के साथ साथ ना हमारी आपकी दुश्मनी भी खत्म हो गई। हम भले दोस्त नहीं है, लेकिन आपके ऊपर कोई आग भी उठा के देखेगा ना आपसे, उसकी आंखें नोच लेंगे और मिर्ची झोंक देंगे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है हम, वही तो फर्क होता है ना पढ़ाई का इंसान और जानवर में, इसलिए जानवर ही रह गए। देखिए हमको पता है कि आपके लिए माफ करना आसान नहीं, और हो भी क्यों, हम होते आपकी जगह तो कभी माफ नहीं करते, लेकिन फिर भी आप माफ करेंगे कि नहीं करेंगे ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। तुम झूठे मकार होने के साथ साथ बहुत बड़े जोकर भी निकले, जाकर नौटंकी कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? कम से कम ईमान की रोटी तो खाओगे। और रही बात तुम्हारी बात पर यकीन करने की, तो ना कल हमें तुम्हारी माँ की बात पर यकीन था और ना आज तुम्हारी बात पर भरोसा है। हो गई नौटंकी या अभी कुछ बाकी है? अगर तुम्हारा ड्रामा हो गया हो तो यहां से निकल जाओ। एक मिनट, एक मिनट। तुम्हारी इज्जत इसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। दुलारिया, ये सब कचरा उठाकर बाहर फेंको। आप कौन? ये आदमी वो गंदा है, गंदा कर दिए। एक मिनट दुलारी दीदी,
पागली तुम्हें क्या कर रही हो? तुम क्यों कर रही हो ऐसे मेरे साथ? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा, लेकिन मुझे तकलीफ देने के लिए तुम किस हद तक जाओगी? ये सब क्या है? क्या बोल रहे हैं? कौन सा तकलीफ पहुंचा दी हम आपको? हाँ, कब पागलपन का दौरा पड़ रहा है का आपको? हाँ, तो वैसे भी आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हम हर काम करने से पहले ना आपका खुशी या आपका तकलीफ नहीं देखते हैं, समझे आप? ये जो बेपरवाही का नाटक करती हो ना, इसे नहीं सह सकता हूँ मैं। तुम्हारी नफरत को सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कोई टच करे ये मैं नहीं सह सकता हूँ, नहीं सह सकता हूँ मैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? अच्छा, अगर कोई हमारे ऊपर से आटा साफ करते हुए हमें छू ले तो आपको बहुत तकलीफ हो रहा है? कहा है ना मिस्टर अनुराग सिंह, आपका जो ये तकलीफ है ना, ये हम बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम भी जो है ना एक बार इस तकलीफ से गुजर चुके हैं।